राम राम जी। आज आप सभी का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। और आज हम बनाने जा रहे हैं लहरिया समोसा, यानी कि दो लेयर वाला समोसा। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो ये हमारा खुद का अपना ढाबा है और उसी में हम रोज नई नई रेसिपी जो आपको दिखा रहे हैं, रोज नई नई रेसिपी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो नई नई रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और जो हमसे नया कुछ बनवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं हो सके कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूं, बना सकूं। और जो इसमें आपको समझ में नहीं आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखिए, आज मैं समोसे के लिए 5 किलो मैदा दे रखा हूँ और इसमें 100 ग्राम अजवाइन डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अगर आपको 1 किलो बनाना हो तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें, 1 चम्मच अजवाइन डालें। और हम लोग ये कलसी से नाप के डालते हैं, तो इसमें 1 लीटर तेल होता है। और आप जब 1 किलो बनाएंगे तो 150 से 200 ग्राम के नीचे नीचे रखें, 150 ऊपर और 200 ग्राम से नीचे आयल रखें। देखिए, रिफाइन आयल हमने 1 किलो इसमें डाल दिया है। और इसको धीरे धीरे बहुत आराम आराम से दोनों हाथों से इसको मसले, बहुत बढ़िया से धीरे धीरे मसल के, और मट्ठी या समोसा के लिए आप मैदा तैयार करें। तो देखिए, हम दोनों हाथ से मसल मसल के इसको तैयार कर रहे हैं और इसको ऐसे हम 15 मिनट तक मसलेंगे। 15 मिनट मसलने के बाद इसमें अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा देख देख के इसमें पानी डालना होता है, या कोई भी चीज़ आप बनाएं, नमक पारे, समोसा, मट्ठी, तो आराम आराम से उसमें पानी डालें ताकि वो गीदा ना हो। ये गीदा नहीं होता है आटा की तरह, ये सख्त होता है, सख्त से थोड़ा सा मुलायम होता है, ताकि हम जितना सख्त होता है इसको पन्नी में रैप करके रख देते हैं, या आप पतीले में ढक्कन से बढ़िया से रैप करके रख सकते हैं। तो जैसे आपके पास सुविधा हो उस अनुसार आप कीजिए। और देखिए, अपने हाथ दोनों हाथ से मल के और मट्ठी हम बना रहे हैं। ये मट्ठी जो आपको हम लहरिया दो लेयर वाला बोले थे, ये नया है समोसा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये देखिए, हम मैदा को गूंद रहे हैं। और जो हम समोसे के साथ चटनी खाते हैं, हरी और मीठी, तो उसका दोनों का रेसिपी हम जो भी उसमें डालते हैं, आपको इसको सारे का सीक्रेट बताएंगे। और जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उसमें एक चीज़ दो चीज़ आपको ऐसा हम नया चीज़ बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और मेरे एक भी रेसिपी में ऐसा कोई ऐसा बात नहीं होगा जिसमें दो सीक्रेट नहीं। तो ये हरी चटनी का भी और मीठी चटनी का भी हम दोनों का रेसिपी जल्दी लाएंगे और आप अपने चैनल पर हम डालेंगे। तो देखिए, हमारा मैदा अब तैयार हो गया है, देखिए। और इसको हम रैप करके रखेंगे। आपको पहले पता है रैप करके रखना जरूरी होता है, खुला रखेंगे तो मैदा सूख जाता है। इसको पेंदा काटने के बाद भी आप रैप करके रखें, नहीं तो सूख जाएगा तो बेदा नहीं जाएगा, यह इस बात का आप पूरा पूरा ध्यान रखें। और ये देखिए, हमने पन्नी में रखना शुरू कर दिया है। और इसको पन्नी में रखने के कम 2 घंटा के बाद इसको रेस्ट पर रख देंगे 2 घंटा, और उसके बाद हम पेंदा काटेंगे। तो देखिए, हमारा सब जितना हमने मैदा गूंद रखा था वो सारा पन्नी में रख दिया है। अब पेंदा ये काट रहे हैं, ये समोसे का पेंदा है। तो आपको जितना भी चाहिए, हमारा तो होटल है तो हम 3 किलो 4 किलो ही बना देते हैं, लेकिन आपको 1 किलो बनाना हो, आधा किलो बनाना, 1 किलो का भी आपको एवरेज मैंने बता दिया है कि 1 किलो में आप 150 ग्राम से 200 ग्राम के अंदर अंदर ही रखे तेल, 150 ग्राम डाल दें, उसके बाद अगले बार नेक्स्ट में देख लीजिए कितना क्रिस्पी होता है, तो उस हिसाब से आप तेल बढ़ा सकते हैं। और अजवाइन डालें, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे क्या है कि बढ़िया है, स्वादिष्ट भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और ये देखिए, हम जो समोसे का मसाला बनाने जा रहे हैं, तो देखिए जार में हम डाल दिए हैं लहसुन 6-7 कर लिया, 10-12 हरी मिर्च डाल दिए हैं, और इसमें अदरक, एक बड़ा टुकड़ा है अदरक का, उसको पतला पतला काट दिए हैं, वो भी डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर देंगे, और ग्राइंड करके इसमें मसाले में डाल देंगे। तो देखिए, हमने तेल डाल रखा है इसमें, साबुत धनिया
100 ग्राम करीब करीब होगा, ये आलू 4 किलो के करीब है और 6-7 लाल मिर्च है। और देखिए मिक्सी में ग्राइंड करके हमने लहसुन हरी मिर्च और अदरक को इसी में मिला के भून लेंगे बढ़िया से, ताकि इसका कच्चापन ना रह जाए। और इसी में डालेंगे 1 आधा चम्मच हल्दी। हल्दी को पहले तेल में डालते हैं इस वजह से कि तेल में हल्दी पक जाए, आलू में डालने से हल्दी पकता नहीं है। और देखिए साथ में धनिया डाल दिए, और इसी के साथ लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी। देखिए हमने हर लाल मिर्च कम डालते हैं हम, और हरी मिर्च ज़्यादा डालते हैं, और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दिया। हरी मिर्च हमने ज़्यादा डाल रखा है, हरी मिर्च डालने से स्वाद बहुत बढ़िया आता है, और लाल मिर्च हम देखिए कम रखे हैं, नहीं तो आपको लाल लाल नज़र आता है। देखिए कितना ग्रीन टाइप का है मसाला, और इसको बढ़िया से हम भून देंगे। भूनने के बाद हमें देखिए आलू मैच करके रखे हैं, देखिए आलू मैच कर दिए। आप मीडियम से छोटा छोटा आलू रखिए ताकि मैच करने के लिए मैच कर पाए आप। ये देखिए मैच कर रहा हूँ आलू को, ऐसे ही आप इसको 5 मिनट तक मैच कर दीजिए। इसी पर से ज़्यादा जितना आपके पास धनिया हो स्वाद के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा धनिया डालिए, धनिया बहुत बढ़िया होता है। और ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको बढ़िया से हम चला देंगे ताकि नमक हर आलू के पीस में पहुंच जाए। और देखिए आराम से मिला रहे हैं ये। तो आप इसी तरह इस आलू के मिश्रण को 5 मिनट तक भून दीजिए, और इसके बाद आलू को बाहर निकाल दीजिए। और देखिए हम अपना समोसा का जो पेन मैदा गूंद रखा था वो पेंदा हम बेल रहे हैं। ये देखिए आप एक ही बार बेलन बैठा के बेला करें, बार बार मना उठाएं, 1 से 2 बार उठाना होता है। अगर बार बार उठाएंगे तो ये जो बेला हुआ रोटी जैसा पेंदा है ये सिकुड़ जाता है, तो बाद में छोटा हो जाने पर भरने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस वजह से हम इसको देखिए ये कितना बड़ा बड़ा के दोनों तरफ से देखिए घुमा के, एक बार घुमाया दूसरे बार घुमाया, और ये देखिए और बराबर करना काटना है आपको तो एक तरफ एक पे एक डबल कर दीजिए, या आपको अंदाजा हो गया तो एक बार काट दीजिए आप। तो देखिए हम ऐसे ही सारा पेंदा को बेल देंगे। ये देखिए जो हम समोसा के जो पेंदा बेल रहे हैं, तो आपको पहले ही बताया था कि ये समोसा जब बेलेंगे तो जो इसका मैदा होना चाहिए वो सख्त होना चाहिए, यानी कि टाइट, लूज रहने पे समोसा सॉफ्ट नहीं बनेगा वो। और इसमें क्या है, लहरिया हम बना रहे हैं तो डबल लेयर करते हैं, तो डबल लेयर करने के लिए हम इसको चिपकाएंगे बहुत बढ़िया से। जो एक काट के दूसरा पे चिपका रहे हैं उसको बढ़िया सिपंगा चाहिए, ये कहीं खुल ना जाए। और आलू जब आप भून देते हैं तो आलू को भूनने के बाद 1/2 घंटा के लिए ठंडा होने दें, ताकि वो गर्म से आपका जो आपने पैक कर रखा है, सील कर रखा है पानी से, वो ना खुले। और देखिए हम ये पेंदा को, दोनों पेंदा को एक में चिपका रहे हैं, तो नीचे वाले पे लेयर पे हमने पानी लगा लिया है, और ये देखिए दूसरे लेयर को चिपका रहे हैं, और हाथों से चारों तरफ से दबा देंगे। ठीक है, ये देखिए दब गया। और ऐसे ऐसे 4, 5, 6 आपका जितना लाइन बनता है उतना लाइन आप काट सकते हैं। आप बड़ा पेंदा बना रहे हैं तो इसमें 6-7 लाइनें काटनी पड़ेगी, छोटा काटेंगे तो 5-6 लाइन कटेगा, 4 लाइन कटेगा, वो आपके समोसा के पेंदे के ऊपर डिपेंड है कितना लाइन आप काटेंगे। और देखिए हमने तीनों तरफ हमने पानी लगा दिया है, और इसको दूसरा लेयर इस पर रखेंगे, और रख के देखिए ये रख के और इसको दबाते जाएंगे। ऐसे आप जितना ही बनाना हो नीचे कटिंग वाला रख दीजिए, और ऊपर का हिस्सा जो रखेंगे। अब देखिए हमने पानी लगाया है देखिए किनारों पे, और दोनों का आपस का सिरा नीचे उंगलियों से दबाते हुए बढ़िया से चिपका देंगे, ताकि ये समोसा उसमें तेल में जाके खुले नहीं। और ये देखिए हम इसमें फिलिंग भर रहे हैं, और फिलिंग को भी उंगली से देखिए अंदर दबा दीजिए, ताकि आलू बाहर ना निकले, जो फिलिंग भर रहे हैं वो बाहर ना निकले। और देखिए किनारे किनारे पानी दबा के लगा के, और आगे पीछे का लेयर दोनों तरफ से हम दबा देंगे। और ये देखिए तरहथियों से ये दोनों हाथ के तलवों से इस वजह से चिपकाते हैं ताकि ये समोसा लुढ़के ना, ये स्टैंड है इसका, दबाने का मतलब स्टैंड है, और थोड़ी इसकी जो नीचे की परत मोटी होती है वो भी दबाने से पतली हो जाती है, तो कढ़ाई में जाने के बाद ये क्रिस्पी होता है। देखिए दोनों सिरों में पानी लगा के, और नीचे उंगली भी लगा दी, ऊपर भी उंगली लगा के दबा दिए। और ये देखिए फिर आलू डालेंगे इसमें, और इसी तरह से हम जितना भी समोसा बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे, उंगली से दबाते रहेंगे और किनारे किनारे में पानी लगा देंगे, और आमने सामने का हिस्सा चिपका देंगे। ये देखिए हमने आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा दबाया, और यहाँ से वहाँ तक दबा दिया,
और हथेलियों पर रख के इस वजह से दबाते हैं ताकि ये समोसा खड़ा रहे और नीचे का लेयर पतला हो जाए। और देखिए हम ये समोसे को कढ़ाई में डाल रहे हैं, तो एक कढ़ाई का जो तेल होता है वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसा खुल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे डालते हैं और जब थोड़ा सा सुनहरा कलर समोसे में आ जाए तो हम उसको गैस के अपने फ्लेम को लो कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये समोसा ये बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना बढ़िया सुनहरा कलर है, क्रिस्पी है। और देखिए हम ये बाहर निकाल कर रख दिया है और ये चटनी लगाया, हमने हरी चटनी डाल दिया है और इधर हम लाल चटनी डाल दिए हैं। और ये देखिए समोसा आपको दिखा रहे हैं कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए देखिए कितना क्रिस्पी सॉफ्ट बना हुआ है समोसा। तो आप ऐसे बनाएं और अपने खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं और हमें जरूर बताएं कि हमारा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। अंकल जी हम जानना चाहते हैं कि आप इस ढाबे पर रोज खाना खाते हैं? रोज कम से कम 20 बार तो खाते ही। तो आपको इस ढाबे का खाना कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, हमारे को तो बढ़िया। सबसे फेवरेट आपकी इस ढाबे पे क्या चीज़ है? चिप्स और चाय है। चिप्स। थैंक यू।